नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स क्या है तो पहला प्रिंसिपल दे रखा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन नाउ व्हाट इज दैट नॉन डिस्क्रिमिनेशन दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑन विच डब्ल्यू ट्यू हैज बिन स्टैब्लिश

इन जनरल बोल रहा हूं देखो एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना वो जनरल होता है वो एक्सेप्शनल चीजों को पढ़ने और जानने के लिए नहीं बनाया जाता क्योंकि एक्सेप्शनल चीजों के बारे में एक्सेप्शन थिंग्स आर ऑलवेज डिफर तो आप जितने ज्यादा एक्सेप्शन की बात करोगे वो हमेशा डिफर करेगा तो वो डिफरेंट थ्योरीज कहां से हर एक एक्सेप्शन के लिए बिल्ड करोगे तो कोई भी जो स्टडीज बनाई जाती है लाइक इकोनॉमिक्स like हो गया या फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज हो गया या हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें या पोलिटिकल साइंस हो गया जो ये सब्जेक्ट है ये जो थ्योरीज है ये जनरल के लिए बनती है ठीक है कि ज्यादातर क्या होता है स्पेसिफिकली कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है उसका हम कुछ नहीं कर सकते राइट तो होता क्या आप एक बात देखना कि जैसे हम चर्च की बात करते हैं मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो चर्च में आपने सुना होगा कि काफी लोग अपने आप को क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट करवाते हैं सो व्हाट आई लाइक मुझे ज्यादा नहीं पता जो मुझे पता है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा गलत हो सकता है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेना जो अगर मेरी इंफॉर्मेशन कहीं पर लैक करती है वो ये कहते हैं कि जो भी लोग हमारी क्रिश्चियन कॉम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट होकर के आएंगे क्रिस्टानिटी को अडॉप्ट करेंगे तो उनको क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से उनका एकोमोडेशन उनका फूड वो सारी चीज स्टडी के एक्सपेंसेस सब कुछ बेयर करेगी बट आपको करना ये है कि आज आप अगर चर्च के resources को यूज करके यू आर ग्रोइंग एट दिस स्टेज लेटर ऑन जब आप अपना सब कुछ कवर कर लोगे पढ़ लोगे सब कुछ कर लोगे देन यू नीड टू मेक डोनेशन राइट सो मतलब वहां पे चर्च में जाने के बाद कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब सा नहीं हो जाता ठीक है ऑल द पर्सन आर ट्रीटेड इक्वली सारे इक्वल भाई एक दूसरे के आपको मदद करनी है इसीलिए आप पे जो डब्ल्यू टू है वो यही कह रहा है कि भाई तुम लोगों को आपस में एकदम एक लेवल पे आकर के काम करना है ये ज्यादा अच्छा है ये बड़ी कंट्री है छोटी कंट्री ये नहीं तुम्हें ये देखना है कि जो भी कंट्री के साथ चाहे छोटी कंट्री हो चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो तुम्हें ट्रेड से मतलब होना चाहिए और हर कंट्री के साथ मिलकर ट्रेड करना है ठीक है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है राइट सो नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन बाय अ मेंबर ऑफ स्टेट बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिंग स्टेट्स हु आर आल्सो मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ दैट इज फॉरेन गुड्स सर्विसेस ट्रेडमार्क पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स ओके शैल बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज गिवन इन देयर ओन कंट्रीज तो अगर आप अपनी ओन कंट्री में किसी कंपनी को किसी तरीके से ट्रेडमार्क दे रहे हो या पेटेंट दे रहे हो कॉपीराइट दे रहे हो तो जब दूसरी कंट्री दूसरी कंट्रीज की कंपनीज तो आपकी कंट्री में आएंगी तो उनको सेम ट्रीटमेंट दोगे ये नहीं कि यूएस आ रहे हो तो यूएस को ज्यादा फेवर कर रहे हो लेकिन वहीं बांग्लादेश आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो ना छोटे देश ही नहीं होगा ये चीज नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट है फ्री ट्रेड so like that the WTO is also committed to promote free trade among countries through negotiations this requires progressive liberalization of trade by WTO through reduction in tariffs and removal of quantitative restriction on imports by the member countries ठीक है तो वो क्या कह रहा है कि liberalize करना और liberalization आपको already पता है कि जो भी आपके barriers होते हैं जिस भी तरह के आपके tariffs और non-tariffs quantitative और qualitative जो भी barriers है उन तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना ठीक है जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेसिस है उसको स्मूथ किया जा सके इसे इतना रीड करो स्टूडेंट एंड जस्ट गिवे में सेकंड मैं पानी पी लो प्लीज चलो आगे देखते हैं स्टेबिलिटी इन ट्रेडिंग सिस्टम

नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन डब्ल्यू टीओ सिम ऑफ द वेरियस नेशन रूल्स लाइक मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट टू ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वल ट्रीटमेंट टू फॉरन गुड्स पेटेंट्स एंड कॉपी राइट विद नेशनल प्रोवाइड फेयर कॉम्पिटिशन अमंग ट्रेडिंग पार्टीज वो कह रहे हैं कि होना क्या चाहिए कि आप एक फेयर कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट है वो सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स को इक्वल मिलना चाहिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि पेटेंट हो कॉपीराइट हो तो आप फेयर यानी कि आप अपनी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको बहुत ईजिली कोई भी तरह का पेटेंट या uh, कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क ग्रांट कर देते हो लेकिन वही कोई फॉरेन से कंपनी आपके देश में आती है ट्रेड करने के लिए तो आप उसके साथ किसी भी तरह की पार्शलिटी करते हो ये नहीं करना है फर्दर एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यू टीओकरेज अनफेयर कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस क्या करता है कि आपको अनफेयर कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस जो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज करना हमने एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में पढ़ा था अगर आपको याद हो क्या था याद करो कि आप अपनी कंट्री में लोगों को बहुत ह्यूज अमाउंट में सब्सिडीज देते हो जिससे कि होगा क्या उनके गुड्स बहुत सस्ते में बनेंगे एंड दे केन यू नो दे कैन सेंड दैट प्रोडक्ट्स टू अब्रॉड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वहां पे क्योंकि प्रोडक्ट्स महंगे बन रहे थे तुमने यहाँ पे सस्ते बनवा लिए तो ऐसी ऐसी चीजों चीजों को को वो वो क्या करता है? वो ऐसी को करता है है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए मार्केट एक्सेस डब्ल्यूटीओ प्राइब्स रूल्स फॉर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेजम एट एडमिनिस्ट्रेटर्स इंप्लीमेंटेशन इट सीक्स टू एनहेंस मार्केट एक्सेस कमिटमेंट ऑन रेसिप्रोसिटी बेसिस बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बेरियर्स आपने क्या देखो क्या बनाया इसने ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेम्प्लीमेंटेशन वो क्या कर रहे हैं कि वो ट्रेड पॉलिसी मैकेजम को सेटअप करेंगे और जिसका काम क्या होगा जिसका काम होगा उनके इंप्लीमेंटेशन को भी देखना ठीक है कि मार्केट का एक्सेस हर किसी के पास आना चाहिए किसी भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस है वो प्रमोट नहीं होनी चाहिए राइट सो द रूल्स अंडर डब्ल्यूटीओ एनेबल अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू कॉन्टेस्ट मेजर्स एम्प्लॉयड बाय अनदर पार्टी दैट नलीफाई और इम्पेयर सच एग्रीमेंट्स ठीक है वो कह रहे हैं कि जो डब्ल्यू टीओ के अंदर रूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के क्या है कि

तो वो स्पेसिफिक टैरिफ्स में कन्वर्ट हो सकते जैसे कि कि मैंने बताया था एग्रीकल्चर के ऊपर लास्ट ईयर इंडिया ने कहा था हम राइस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे कम लेकिन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कम होते चले जाएंगे राइट बाइंडिंग सेट मैक्सिमम रेट अ टेरिफ में भी सेट अब कह रहे तो होगी लेकिन एक रेट होगा कि मैक्सिमम आप इतना ही रेट चार्ज कर सकते हो इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर सकते तो चार्ज करना भी है तो आप करें लेकिन दैट इज गोइंग टू बी अप टू सम एक्सटेंट विच वॉज और विच डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट है एक्चुअल टेरिफ कैन बी बिलो द स्पेसिफाइड रेट बट कैन नॉट गो अब इट अनलेस द रेट इज रीनेगोशियटेड बाय द ट्रेडिंग पार्टीज ये हमें समझना है कि एक्चुअल टेरिफ कैन बी लो द स्पेसिफाइड रेट स्पेसिफाइड से कम हो सकता है बट कैन नॉट गो अब सकती। आप याद करो आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो कंपनीज होती है मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड कंपनीज की ठीक है uh, तो वो जो लिमिटेड कंपनीज होती है जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स वगैरह इशू करती है ना आप पढ़ते ना कि जो पब्लिक कंपनी है या पब्लिक सेक्टर है वो स्टॉक मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं आपने पढ़ा उनमें क्या होता है उनमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड क्योंकि ऐसे तो एवरी शेयर होल्डर इज जस्ट ओनर ऑफ द कंपनी यही पढ़ते आए हो कि जिसके बाद भी शेयर होते हैं इक्विटी होती है वो कंपनी के ओनर है अब कंपनी के ओनर होने की वजह से दे हैव द वोटिंग राइट लेकिन अगर मैं हर एक शेयर होल्डर के प्रेफरेंस के हिसाब से डिसीजन लूंगा तो उस केस में तो कंपनी कहीं जा ही नहीं पाएगी है ना तो हम आपने ये पढ़ा है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड और एक कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है वो कंपनी कंपनी के के जो जो मैनेजर्स हैं टॉप अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करती है राइट कि हम कितना डिविडेंड जो है दे सकते हैं ये बात भी समझ में आ गई अगर मान लो एक कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि भाई हम जो है वो डिविडेंड देंगे लेट्स सपोज इन एनी ऑफ द केस आप

अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज नीड नॉट रिड्यूज दब्सिडीज वो कहकर देखो डेवलप कंट्रीज के तो मैंडेटरी है सब्सिडीज को खत्म करना लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सब्सिडीज खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोमोट द ट्रेड उनको अपना ट्रेड प्रमोट करना है तो उससे उनके पे उतना नहीं काम करता सो दिंग कंट्रीज है सब्सिडीज बाय ट्वेंटी फोर डेवलप कंट्रीज है

इन द एरिया ऑफ ट्रेड इन सर्विसेस फॉरिन सर्विस सप्लायर गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज बार सेम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कोई भी सर्विसेज हो जो फॉरेन की कंपनीज है या तुम्हारी डोमेस्टिक कंपनीज है उनको ट्रीटमेंट जो है वो क्या दिया जाएगा स्टूडेंट सेम दिया जाएगा अब फंक्शन की बात करते हैं कि क्या है टू फैसिलिटेट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एज वेल एज अदर अग्रीमेंट एंड दर इंप्लीमेंटेशन थ्रू ट्रेड पॉलिसीज रिव्यू बॉडी जो भी हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होगी जो हर तरीके के एग्रीमेंट्स वगैरह को पॉलिसीज को बनाएगी और इस चीज को भी एक रेगुलर चेक करेगी दैट जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो प्रॉपरली टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए ऐसा नहीं कि केवल पॉलिसी बना दी गई है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई ये नहीं होना चाहिए राइट पहली बात

वर्ल्ड बैंक एंडेडनाइजेशन फॉर रियलाइजर ट्रेड ठीक है आपको क्या करना है कि आई एम एफ की पॉलिसी के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ जो बड़ी बड़ी एफिलियेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल करके और रह करके काम करना ताकि आप ग्लोबल ट्रेड का जो लेवल है उसको एक बेटर लेवल पर ले जा सके ऐसा नहीं होना चाहिए कि 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 उनकी पॉलिसीज़ 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 कुछ और और चल रही हैं आप आप कोई डिफरेंट के साथ काम करें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलाइन हो, sure हो इस मैनर में बनी इंटरनेशनल लेवल ट्रेड को अच्छे से प्रमोट कर ठीक है का? Earlier, जो था, वो सिर्फ एप्लीकेबल था

जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया अ कंट्रोवर्शियल एरिया हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड अदर एरियाज हैव हैविंग इंप्लिकेशंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स आर बीइंग ग्रेजुअली कवर्ड राइट डब्ल्यूटीओ अलोंग विद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी बाय एनश्योरिंग ग्रेटर कोहेरेंस वो कह रहे हैं कि देखो डब्ल्यूटीओ को किसके साथ मिलकर काम करने के लिए बताया गया आई के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ ठीक है ताकि वो क्या कर सके ताकि वो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके और एक बहुत बहुत ना एक एक्सटेंसिव एक, एक लेवल पर जो बिजनेस है उसको प्रमोट किया जा सके इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस है उसको प्रमोट किया जा सके ये मेन इसका स्कोप है देखो गैट सिर्फ मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए था तो डब्ल्यूटीओ स्टूडेंट जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसका काम अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझाया उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू बाय एनी मीन वॉन्ट्स की चाहे कंट्री डेवलपिंग हो चाहे कंट्री डेवलप्ड हो बस उनके पास ट्रेड आना ही चाहिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है वो आना चाहिए उनका ट्रेड एक्सपैंड होना चाहिए ये चीज किसी भी हाल में उनके साथ होनी ही चाहिए तो दैट इज दईडिया राइट स्टूडेंट्स चलो आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यू टी ओ एज इंक्लूडेड इन द राउंड आर द फॉलोइंग वो कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स है जो कि डब्ल्यूटीओ ने क्या किए कंप्लीट किए अब हमें वही एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से एरिया में क्या क्या एग्रीमेंट्स जो है वो बनाए गए थे ठीक है बट फॉर द टाइम बिंग वोट आई वॉन्ट को यहां तक अच्छे से रिवाइज करके रखें पहले उसके स्कोप को समझ जाओ उसके सिग्निफिकेंस को समझ जाओ फंक्शन को समझ जाओ प्रिंसिपल को समझ जाओ उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से एग्रीमेंट है इसके पीछे का रीजन क्या है क्योंकि एग्रीमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई जस्ट वॉन्ट पहले आप उन कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो फिर वी विल स्विच टू दीज एग्रीमेंट्स के क्या एग्रीमेंट्स बनाए गए थे राइट तो तब तक के लिए कीप दट टिल Bye. See you in the next video, but please revise. Okay, students. Bye.